हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप एक्सेल के अंदर रेंज ऑफ सेल्स के ऊपर मोबाइल नंबर के इनपुट लेने के लिए वैलिडेशन लगा सकते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का एक नंबर होता है, लेकिन जब आप एक्सेल में कोई कॉलम बनाते हो जहां पे आपको मोबाइल नंबर का इनपुट लेना होता है, तो आप 10 डिजिट से कम भी कोई नंबर डाल देते हो तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है, और अगर आप 10 डिजिट से ज़्यादा कोई नंबर डाल देते हो तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है। ये अलग बात है कि लंबा डिजिट होने के कारण, जो है लंबा नंबर होने के कारण, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप चाहते क्या हो कि वैसा इनपुट यहाँ इस रेंज ऑफ सेल्स में जो 10 डिजिट का ना हो वो एक्सेप्ट ही नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आ जाएगा, आपको डेटा वैलिडेशन में आना है और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको अलाउ करना है होल नंबर बिटवीन। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, देखिए जो मिनिमम 10 डिजिट का नंबर है वहां पे आपको 10 टाइम्स 1 डाल देना है। यहाँ पे आपने 10 टाइम्स 2 2 4 6 8 9 10 10 टाइम्स आपने 1 डाल दिया, और मैक्सिमम में आपको 10 टाइम्स जो बिगेस्ट वैल्यू है पॉसिबल 9 डाल देना है। ऐसा करने के बाद अब इनपुट मैसेज में अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप ऐसे मोबाइल नंबर लिख दो टाइटल में, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप यूजर के लिए मैसेज दे सकते हो कि प्लीज इंटर 10 डिजिटेड मोबाइल नंबर। लेकिन अगर ये मैसेज पढ़ने के बावजूद यूजर 10 डिजिटेड मोबाइल नंबर नहीं डालता है, मतलब कि या तो 10 डिजिट से कम का मोबाइल नंबर डालता है या फिर 10 डिजिट से ज्यादा का मोबाइल नंबर डालता है, तो उसके लिए आप एरर अलर्ट पे क्लिक करते हो और यहां से स्टॉप सेलेक्ट करते हो। इसलिए स्टॉप सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि आपको 10 डिजिटेड ही मोबाइल नंबर लेना है। कम या ज्यादा डिजिट का अगर मोबाइल नंबर यूजर ने डाला तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो उसके लिए यहां पे स्टॉप है और आप यहां पे लिख देते हो एरर मैसेज। क्या भी मैसेज आप डाल सकते हो अपनी मर्जी से कि द मोबाइल नंबर इज नॉट 10 डिजिटेड। ऐसा कुछ मैसेज देने के बाद आप अब ओके पे आपको क्लिक करना है। अभी देखो, ये आपका वैलिडेशन लागू हो गया, अप्लाई हो गया यहाँ पे इस रेंज पे। अब आप यहाँ पे कोई भी एक सेल सेलेक्ट करते हो, देखो ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि प्लीज इंटर 10 डिजिटेड मोबाइल नंबर। ऐसा करने के बाद अगर आप 10 डिजिट से कम का कोई नंबर डालते हो तो ये लेता ही नहीं है। आप रिट्राई भी करते हो तो भी अगेन इनपुट मांगेगा, आप गलती करोगे नहीं लेगा, आप कैंसिल आपको करना ही होगा। लेकिन आप अगर 10 डिजिट का कोई मोबाइल नंबर डालते हो, जैसे कि मैंने अभी डाला, तो ये देखो एक्सेप्टेबल है। अगर 10 डिजिट से ज्यादा का कोई मोबाइल नंबर अगर आप डाल देते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी वजह से साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप चाहो तो पूरे कॉलम्स के ऊपर भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो। आपको बस यहाँ कॉलम हेडर पे क्लिक करना है और उसके बाद से डेटा के पे क्लिक करके यहां से आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से किसी कॉलम को मोबाइल नंबर के इनपुट के लिए वैलिडेट कर सकोगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट करने के लिए। बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।